वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन फोर्थ का बी पार्ट करेंगे, जिसके अंदर यही डेप्रिसिएशन आपको प्रोविज़न बना के उसमें इकट्ठा करके फोर्थ का बी पार्ट करेंगे, जिसमें यही डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जहां पर डेप्रिसिएशन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं लग के डेप्रिसिएशन घटने के बाद बची हुई वैल्यू पर लगता है। और इस बार मैंने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में छपी डेट है वही ली है, September 1st। पिछली बार September 30 ली थी, इस बार September 1st से ही करूँगा। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं अपन। देखिए सॉल्यूशन है आपका ये रहा, January 1st को 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी, फिर उसके बाद September 1st को 370,000 की मशीन खरीदी, दो मशीनें खरीद, ये सॉरी क्वेश्चन दूसरा आ गया। देखिए 85,000 की पिछली बार की तरह सेम डेप्रिसिएशन, चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो चाहे SLM हो, पहले साल सेम ही लगता है, क्योंकि पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट ही रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 4250, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी इसको डाल दिया और P&L में साल के एंड में ट्रांसफ़र भी कर दिया। फिर उसके बाद बैलेंस निकाला 80,750, बिल्कुल हूबहू जैसा पिछले क्वेश्चन में आया था वही 80,750। और फिर 260,000 रुपये में अगले साल सितंबर में एक और मशीन खरीदी, September 1st ही किया है इस बार मैंने, पिछली बार September 1st नहीं किया था, इस बार September 1st ही लिया है 260,000 रुपये। फिर इधर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का 8,075 रुपये, क्योंकि अब पहले 8,500 लग रहा था, अब 8,500 नहीं, जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद कीमत आई है 80,750, इसका 10% लगेगा 8,075। एज लाइक दैट 260,000 रुपये जो दूसरी की कीमत है उसका साल का होता है आपके 26,000, September 1st साल का होता है 26,000, और हमें निकालना है 4 मंथ्स का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 26,000 इंटू 4/12 करेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन आएगा आपके 3 से डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 8,667, दोनों मिलाकर हो गए 16,742, 16,742। बैलेंस बच जाएगा 8,075 रुपये 80,750 में से माइनस करेंगे, और 8,667 रुपीज़ माइनस करेंगे आप, एटी थाउजेंड सेवेंटी फाइव माइनस करेंगे 80,750 में से, पीछे बचेगा 72,675, और 8,667 माइनस करेंगे 260 में से तो पीछे बचेगा 2,51,333, दोनों मिलाकर हो गए 3,24,008 रुपये। इस 3,24,008 रुपये को अगले साल आगे लाएंगे। अब आपके कोई नई मशीन ना खरीदी है ना बेची है तो आराम से आप इसी का 10% ही सीधे काउंट कर दो तो भी चल सकता है। इसका 10% होता है 32,401, तो लगा वही है, मैंने एक बार अलग अलग लगा के दिखा दिया है, दूसरी बार एक साथ लगा के। तो पहली मशीन का 72,675 रुपीज़ जो पिछले साल बैलेंस था उसका 10% 7,268, और सेकंड का 25,133, दोनों मिलाकर 32,401, और दूसरी मशीन का अब बचे बैलेंस 72,675 में से 7,268 गया तो पीछे बचा 65,407, और 2,51,333 में से 25,133 गया तो बचा 2,26,200, आ गया 2,91,607 रुपये। इसको इस साल आगे लेकर आएंगे, और इस साल मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया है 29,161, पॉइंट लगाया 0.7 आ रहा है तो अप्रॉक्स होके डबल हो जाएगा, बैलेंस बचेगा 2,62,446। डेप्रिसिएशन का अकाउंट कल बनाया वैसे ही बनेगा, टू मशीनरी, और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L साल के एंड में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल आज के लिए अपन ने लिया है, अगले क्वेश्चन का बी पार्ट, ए पार्ट। गंगा लिमिटेड ने January 1st, 2014 को 5,50,000 में एक मशीन खरीदी, 50,000 रुपये उस पर और स्पेंड किए, फिर September 1st, 2014 को उसने एक और अलग से मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट 3,70,000 रुपये थी, और फिर May 1st, 2015 नेक्स्ट ईयर में 840 में और मशीन खरीदी।
आपको 4 साल 14 15 16 आपकी बुकों में यही साल जो है वो 11 12 13 14 लिखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, साल का ही फ़र्क है, नई बुकों में नए ईयर्स छपे हुए हैं, बाकी कैलकुलेशन अमाउंट बैलेंस सब सेम ही आएंगे। तो 840 तीसरी मशीन खरीदी, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ना कि SLM मेथड आपकी कौन सी है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने इस क्वेश्चन को WDV से सॉल्व कर लिया है, कोई बात नहीं, आप WDV से समझ लीजिए, कल इसी क्वेश्चन को अपन SLM से सॉल्व करके देख लेंगे। 6 लाख और 3 लाख 70 हज़ार रुपये, साल का डेप्रिसिएशन 60,000 और 12,333, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में 5,54,000 और 35,767 और तीसरी मशीन का 56,000 रुपीज़। अब बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस को आगे लाए, फिर इसका भी 10%, फिर बैलेंस आगे लाए उसका भी 10%। मैंने ये क्वेश्चन WDV से किया है, इसी क्वेश्चन को अगर SLM से करेंगे तो फिर हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगेगा, 60,000 रुपये सेकेंड ईयर में चेंज हो जाएगा, 54 की जगह 60 आ जाएगा और सेकेंड मशीन का 37 आ जाएगा, हाँ थर्ड का तो इस साल 56 ही लगेगा, नेक्स्ट ईयर्स में तीनों मशीन का 54, 37 और 84 ही लगेगा। इसको भी अपन कल सॉल्व करके देख लेंगे, आज के लिए इतना ही, वीडियो देख लें, कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो